Hello everyone, in this video we will do network devices. First we have modem. Modem stands for modulator demodulator. It is a hardware device that converts digital signals to analog signals. Okay, तो modem क्या है? एक hardware device है जो digital signals को analog signals में convert करता है. अब आपको पता है computer में जितना भी work होता है वो digital signals के ऊपर होता है. Digital signals कौन से होते हैं? These are non-continuous electrical signals. राइट, नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक बार में कैरी करते हैं. राइट, एक साथ ही मल्टीपल वैल्यूज को कैरी नहीं करते हैं. ओके, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है. राइट, तो जब कंप्यूटर अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है, राइट, तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा? वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाएगा. राइट, ओके, तो टेलीफोन लाइंस डिजिटल डेटा को कैरी नहीं करती हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती हैं. तो यहाँ पे जो मॉडर्न डिवाइस है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? दे कैरी कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. राइट, तो यहाँ पे मॉडर्न जो आपके सेंडर कंप्यूटर के साथ अटैच है उसका क्या वर्क है? उसका वर्क है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर. ओके, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एट द सेंडर साइट. राइट, जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, ओके, उसका मॉडर्न क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, वन वन वैल्यू की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, उसको वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन्स को पास कर देता है. ओके, एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एट द रिसीवर्स एंड. राइट, तो जो सेंडर्स कंप्यूटर का मॉडर्न था उसने क्या किया? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया. ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन. और जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है, राइट, अब डेटा को रिसीव किस फॉर्म में कर रहा है? वो डेटा को रिसीव कर रहा है एनालॉग फॉर्म में. तो यहाँ पे जो मॉडर्न है, रिसीवर का मॉडर्न, वो क्या करेगा? वो इस डेटा को जो एनालॉग फॉर्म में है उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में. राइट, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये अब रिसीवर कंप्यूटर को पास कर देगा. राइट, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन. ओके, तो यहाँ पे देखो डीमॉड्यूलेटर दिया गया. यहाँ पे जो मॉडर्म है वो मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. सेंडर की साइड पे मॉडर्म मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है और रिसीवर की साइड पे मॉडर्म डीमॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. ओके, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइन्स. तो इस तरीके से मॉडर्म का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टेलीफोन लाइन्स के थ्रू. राइट, इट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स. तो मॉडर्म की हेल्प से कंप्यूटर टेलीफोन जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू. राइट, ओके, बिकॉज हियर मॉडर्म इज कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. ओके, नाउ हियर वी हैव टाइप्स ऑफ मॉडर्म. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्म विच आर एज फॉलोज. तो हमारे पास दो टाइप के मॉडर्म है, इंटरनल मॉडर्म फिक्स्ड विद इन अ कंप्यूटर. इंटरनल मॉडर्म क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं. राइट, उसके मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं, वो आपका इंटरनल मॉडर्म है. यू कैन सी द पिक्चर हियर. फाइन, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल मॉडर्म कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर. जो मॉडर्म कंप्यूटर्स के साथ जो एक्सटर्नली मतलब बाहर कनेक्ट किए जाते हैं वो कौन से मॉडर्म होते हैं? एक्सटर्नल मॉडर्म. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल मॉडर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रिपीटर. रिपीटर क्या है? इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किस लिए? एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए. जब आपके सिग्नल्स एक लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट होते हैं, ओके, एक लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या होती है? उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है. फाइन, तो यहाँ पे हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत होती है. तो रिपीटर जो डिवाइस होता है वो हमारा एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीफाई करता है, वो रीजनरेट करता है सिग्नल्स को सो दैट दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, The basic function of a repeater is to amplify the incoming signals and retransmit them over the network. तो repeater का function है जो उसके पास signals आ रहे हैं उनको regenerate करना, उनको strength provide करना, okay? And उसके बाद
बाद उसको रिट्रांसमिट करना नेटवर्क के ऊपर. फाइन. द रिपीटर अलाउज टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू लार्ज एरिया डिस्टेंस. रिपीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज एरिया डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपका लैन आर्किटेक्चर है. फाइन. उसने डेटा को ट्रांसमिट किया, रिपीटर के पास डेटा किया गया, रिपीटर ने उसको रीजनरेट कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसको फिर अगेन भेज दिया दूसरे आर्किटेक्चर के पास, मतलब दूसरे लैन आर्किटेक्चर के पास, लैन बी के पास. राइट. तो रिपीटर की हेल्प से डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है डेटा. फाइन. नेक्स्ट वी हैव हब. अ नेटवर्क हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस डेट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क. हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. ओके. अब देखो यहाँ पे फिगर दी हुई है, दिस इज योर हब, ये आपका हब है, उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, अटैच है. तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब. राइट. ओके. इट हैज सेवरल इथरनेट पोर्ट्स दैट आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेज टुगेदर. अब हब जो डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत सारे इथरनेट पोर्ट्स बने होते हैं. ओके. इन इथरनेट पोर्ट्स में क्या है, आपके डिवाइसेज कनेक्ट हैं एंड इसकी हेल्प से ये जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द हब कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू वन ऑफ द हब्स इथरनेट पोर्ट. ओके. सो व्हाट इट इज टेलिंग यू कि जितने भी डिवाइस हब से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट. नाउ अब हब और स्विच में डिफरेंस क्या है. ओके. हब्स आर सिमिलर टू स्विचेस. हब स्विचेस की तरह ही हैं बट आर नॉट एज स्मार्ट एज स्विच. लेकिन ये क्या है, स्मार्ट नहीं है. जितना स्विच स्मार्ट होता है उतना हब स्मार्ट नहीं है. व्हाइल स्विचेस सेंड इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, हब्स ब्रॉडकास्ट ऑल इनकमिंग डेटा टू ऑल एक्टिव पोर्ट्स. देखो स्विच क्या करता है, उसके पास जो डेटा आता है वो एक स्पेसिफिक जिसके लिए वो डेटा आया है, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए वो डेटा आया है उसके पास ही वो डेटा सेंड करेगा. लेकिन हब क्या करता है, मान लो इस कंप्यूटर ने हब को डेटा सेंड किया. ओके. यहाँ पे डेटा किया, अब हब क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस डेटा को रिसीव करेगा और सारे डिवाइसेस के पास उस डेटा को हब सेंड कर देगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा. ठीक है, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा. तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब से दे विल गेट द सेम डेटा. राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ 5 डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू 8 पोर्ट हब. मान लो एक 8 पोर्ट का हब है जिसके अंदर 5 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं. ऑल डेटा रिसीव्ड बाय द हब इज रिलेड टू द 5 एक्टिव पोर्ट्स. तो हब क्या करेगा, जितने भी 5 डिवाइसेज हैं उनको डेटा सेंड कर देगा. ओके. While this ensures the data gets to the right port. अब इससे ये तो होता है कि डेटा राइट पोर्ट के पास तो जाएगा. It also leads to insufficient use of the network bandwidth. लेकिन इससे क्या होता है, network bandwidth का insufficient use भी होता है. ठीक है, bandwidth क्या होती है, data transfer capacity of network, right? In bits per second. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मिस यूज भी हो रहा है. फॉर दिस रीजन स्विचेस आर मच मोर कॉमनली यूज देन हब. तो इस रीजन से हब का कम यूज किया जाता है, स्विच का ज्यादा यूज किया जाता है. अब देखो सेम डेटा सारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबके पास चला गया. राइट. एक तो बैंडविड्थ का मिस यूज हुआ. ओके. एंड सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो मैसेज है उसकी वो सिक्योर नहीं रहता बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर गेटिंग द सेम मैसेज. फाइन. ओके. Now we have types of hub. There are two types of hub. Active hub, it acts as repeater. Active hub क्या करता है, repeater की तरह काम करता है. It amplifies the signals as they move from one device to another. अब यहाँ पे जो active hub है वो क्या करेगा, signals को एक device से दूसरे device के पास भेजने से पहले, send करने से पहले उसको amplify करेगा, उसको regenerate करेगा, उसको strength provide करेगा. Fine. सेकेंड आपका क्या है, पैसिव हब. इट सिंपली पासेस द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर. पैसिव हब का क्या काम है, सिंपली वो क्या कर रहा है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की
वो डेटा सेंड कर देगा, कोई भी उसमें वो एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्विच. अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट और डिवाइड नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स और लैन सेगमेंट्स. स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम क्या है, बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना. उन छोटे नेटवर्क्स को आप सबनेट्स भी बोल सकते हो और लैन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, राइट. सेगमेंटिंग द नेटवर्क इंटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन द नेटवर्क. जब आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग भी कम हो जाती है, राइट. एक बहुत बड़े नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक जाता है वो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है, राइट. स्विच फॉरवर्ड्स अ डेटा पैकेट टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टैब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. स्विच को जब डेटा फॉरवर्ड करना होता है तो वो क्या करता है, एक टेम्परेरी रूट क्रिएट कर देता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. आफ्टर द ट्रांसमिशन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड. और जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, वो कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. फाइन, ओके. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब. स्विच एंड हब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. अ हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स. ये मैंने अभी आपको बताया. हब क्या करता है, जितना भी डेटा आता है वो सारे पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर देता है, वाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच कमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. लेकिन स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी का डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिसके लिए वो डेटा आया होता है, राइट. ओके, फाइन. तो यहाँ पे स्विच क्या है, बेटर देन हब. Fine. So it is more smarter than the hub. Next we have router. A router is a networking device that forwards data packets between computer networks. Router क्या है, एक networking device है जो data packets को send करता है, okay, between the networks, right? It interconnects different networks. Router का function क्या है, ये different networks को interconnect करता है, एक दूसरे के साथ join करता है, okay? The simplest function of a router is to receive data packets from one connected network and pass them to another connected network. Router क्या करता है, एक network से data packets को receive करता है और दूसरे network को pass कर देता है, right? Unlike bridge, a router chooses the best route to send the data packets. तो यहाँ पर router एक route को decide करता है कि किस route को उसको choose करना है और किस route के थ्रू उसको डेटा को सेंड करना है फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क आउट ऑफ सेवरल रूट एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क. फाइन, तो नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं. तो राउटर इज अ स्मार्ट डिवाइस दैट चूजेस वन रूट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क, राइट. एक इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ओके, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करता है. फाइन, next we have gateway. A gateway is a device which is used to connect dissimilar networks. Gateway क्या करता है, ये भी dissimilar networks को join करता है, एक दूसरे से connect करता है. The gateway establishes an intelligent connection between a local network and external network. तो यहाँ पे gateway का क्या function है, वो local network को external network से join करता है, okay, इन उन दोनों के बीच में एक intelligent connection create करता है which are completely different in structure. Local network और external network. External network आपका WAN हो सकता है, wide area network हो सकता है, आपका MAN हो सकता है, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है. तो दोनों का, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क को गेटवे ज्वाइन करता है, राइट. अ गेटवे इज अ नोड इन अ नेटवर्क विच सर्व्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर. गेटवे कैसे एक्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है एंड अ फायरवॉल सिस्टम, और फायरवॉल सिस्टम की तरह भी काम करता है. फाइन, आप देखो इस पिक्चर के अंदर देखो, ये एक लैन आर्किटेक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है. फाइन, जो किससे कनेक्ट है, जो आपका गेटवे से कनेक्ट है. अब गेटवे यहाँ पे फायरवॉल एज अ फायरवॉल भी वर्क कर रहा है और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क कर रहा है, ठीक है. अब एज अ फायरवॉल वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द अनऑथोराइज एक्सेस. अब आपका जो लैन है वो कहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है, वो वैन से कनेक्टेड है. आपका लैन वैन से कनेक्टेड है और बीच में क्या है, गेटवे है. गेटवे यहाँ पे एज अ फायरवॉल भी वर्क करेगा. फायरवॉल करके ये क्या करेगा, अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करेगा, राइट. जो भी उसको साइट्स, जो भी उसको डेटा अनऑथोराइज लगेगा उसको ये स्टॉप कर देगा यहीं पर ही, उसको अंदर नहीं जाने देगा.
फाइन। और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क करेगा। प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ आपको। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट टेम्परेरी, राइट। अब क्या जो भी डेटा है, जो जेन्युइन डेटा है, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वैन टू द लैन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, उस डेटा की कॉपी क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, ओके, सो दैट द रिपीटेड एक्सेस टू द सेम वेबसाइट और वेब पेज कुड बी डायरेक्टेड टू द प्रॉक्सी सर्वर। तो कॉपी क्रिएट होगी, नेक्स्ट टाइम जब आपका लैन उस सेम डेटा को मांगेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे फायरवॉल वैन से वो डेटा ना लेके, जो कॉपी उसने खुद में क्रिएट की है, खुद अपने सिस्टम में क्रिएट की है, वो कॉपी इस लैन को प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर वर्क कर रहा है, ओके, इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वेब सर्वर। दस इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक लोड। और इस केस में क्या है, ये ट्रैफिक लोड को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि बार बार डेटा वैन से लैन में एक्सेस नहीं हो रहा है, ओके, और उसकी कॉपीज जो इसकी ऑलरेडी इसने क्रिएट की हुई है वो लैन को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में एज अ प्रॉक्सी सर्वर ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, फाइन। Everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.